जय हिंद, जय हिंदी। हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या महामा मसौधा मोती नगर में मैं राम शंकर दुबे सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप यदि YouTube चैनल पर नए हैं तो हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास थर्ड की इंग्लिश जो ओलिविया प्रकाशन की पुस्तक है को पढ़ने का प्रयास करेंगे। द वुडन बाउल। वुडन बाउल का मतलब लकड़ी का कटोरा। बाउल मीन्स कटोरा, वुडन मीन्स लकड़ी का कटोरा। वंस अपान ए टाइम। वंस अपान ए टाइम का मतलब एक समय। देयर लिव्ड, यहाँ रहता था एन ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। स्मॉल मीन्स छोटे से, टाउन मीन्स कस्बे में। एक बार यहाँ पर एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही लिव्ड, वो रहता था विथ, साथ में, हिज सन, अपने पुत्र मैनफ्रेड, अपने पुत्र मैनफ्रेड के साथ रहता था। डॉटर इन लॉ, अपनी पुत्र वधु थेकला के साथ रहता था। एंड ग्रैंडसन, और पोता विलियम के साथ रहता था। ही वाज, वो था एक कारपेंटर, एक बढ़ई था। एंड स्पेंट, और बिताता था ऑल हिज टाइम, अपना सारा समय बिताता था इन अ वर्कशॉप, कार्यशाला में। नेक्स्ट टू द हाउस, जो सामने था, टू दी हाउस, घर के सामने था, उसी कार्यशाला में अपना वो अधिकतर समय बिताता था। ही हैड लर्नड, उसने सीख रखा था कारपेंट्री, बढ़ईगिरी सीख रखा था। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से। हु हैड बीन, जो थे ए फेमस, एक प्रसिद्ध कारपेंटर बढ़ई थे। इन हिज डेज, अपने समय में, जो एक प्रसिद्ध कारपेंटर थे, बढ़ई थे। The old man, बूढ़ा, had taught, ने सिखाया था, बूढ़े ने सिखाया था, his son, अपने पुत्र को, well, अच्छी तरीके से। and the son, और पुत्र, and कमाता था a good living, अच्छी जीवनी जीने के लिए अच्छा धन कमा लेता था। he made furniture, वो बनाता था फर्नीचर, इमारती लकड़ियों को, वस्तुओं को बनाता था, कुर्सी मेज वगैरह बनाता था। फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ऑफ द टाउन, कस्बे के लोगों के लिए वो इमारत की वस्तुओं को बनाता था। एंड और फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही डिड सम कार्विंग, ही डिड, वो करता था सम कार्विंग, कुछ गढ़ाई वाला कार्य करता था। द बॉय, लड़का, विलियम पसंद करता था टू सिट, बैठना, इन दी वर्कशॉप, कार्यशाला में बैठना विलियम पसंद करता था। एंड वॉच, और देखना पसंद करता था, हिज फादर, अपने पिताजी को देखना पसंद करता था। एज ही ग्रू ओल्डर, एज, जैसे ही ग्रू ओल्डर, वो बूढ़ा होता गया, एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे वो बड़ा होता गया, तो ही हेल्प्ड, उसने मदद की, या ही हेल्प्ड, वो मदद करता था, हिज फादर, अपने पिताजी की मदद करता था। बाई फेचिंग, लाने में मदद करता था, एंड कैरिंग, ले जाने में मदद करता था थिंग्स, वस्तुओं को। जैसे वो बड़ा हुआ तो वो अपने पिताजी की वस्तुओं को लाने और ले जाने में मदद करता था। ही लर्नड, उसने सीखा टू क्लीन, साफ करना, द टूल्स, औजारों को साफ करना सीखा उसने। एंड टू टेक केयर, और देखभाल करना भी सीख लिया, ऑफ देम, उनका। ही लर्न, उसने सीखा हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल करते हैं ऐसा आरी का, उसने आरी का इस्तेमाल करना सीख लिया। एंड ए हामर, और हामर का इस्तेमाल, हथौड़े का इस्तेमाल करना सीख लिया। एंड चीसल, और पेचकस का इस्तेमाल करना सीख लिया। एंड हिज ग्रैंडफादर, और उसके दादाजी टाट सिखाते थे हिम, उसे टू कार्व, गढ़ना सिखाते थे वुड, लकड़ी में।
इंटू वंडरफुल शेप, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, शेप मीन्स आकार में। उसके दादाजी सुंदर आकार में उसे लकड़ी को गढ़ना सिखाते थे। विलियम डीपली लव ज़्यादा पसंद करता था। हिज ग्रैंड फादर्स कंपनी, हिज मीन्स उसके अपने, ग्रैंड फादर दादाजी के कंपनी साथ को ज़्यादा पसंद करता था। बोथ ऑफ देम, वे दोनों वुड सीट बैठ जाया करते थे, फॉर आवर्स घंटों तक बैठ जाया करते थे, एंड टॉक और बातें किया करते थे टू ईच अदर एक दूसरे से। नाउ अब द ओल्ड ग्रैंड फादर, वो बूढ़े दादाजी वाज थे, वेरी ओल्ड बहुत बूढ़े हो गए थे, एंड गेटिंग ओल्डर और होते जा रहे थे, ओल्डर बूढ़े होते जा रहे थे, एवरी डे दिन व दिन वो बूढ़े होते जा रहे थे। ही वाज नॉट वेरी स्ट्रांग, ही वाज वो थे नॉट नहीं, वेरी स्ट्रांग बहुत मजबूत नहीं थे। हिज आइज उनकी आँखें बेयर थीं, डिम मंद हो गई थीं, एंड ही कुड नॉट सी और वो देख नहीं सकते थे, वेल अच्छी तरीके से वो देख नहीं सकते थे। समटाइम कुछ समय, हिज हैंड शूक उनके हाथ हिलते थे, एंड समटाइम और कुछ समय, ही सैट वो बैठ जाया करते थे, इन ए चेयर एक कुर्सी पर, एंड नोडेड और सर हिलाते थे, नोडेड ऑफ का मतलब सर हिलाते थे, टू स्लीप सोने जैसे सर को हिलाते थे। ही वाज वो थे ऑलवेज स्लीपिंग, हमेशा सोते रहते थे। इन द इवनिंग शाम में, व्हेन जब दे ऑल सेट डाउन, वे सभी बैठ जाया करते थे, टू डिनर भोजन के लिए, एट द टेबल मेज पर, तो मैन फैड एंड थेकला यूज टू गेट एंग्री, क्रोधित हो जाया करते थे विथ द ओल्ड ग्रैंडफादर, बूढ़े दादाजी से क्रोधित हो जाया करते थे, फॉर बीइंग स्लो धीमा होने के कारण, एंड क्लमसी गंदा होने के कारण वे मुझसे नाराज हो जाया करते थे बूढ़े से। समटाइम्स कुछ समय, ही ब्रोक ए ग्रास, ग्रास नहीं ग्लास यहाँ होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हो गई है। कुछ समय ही ब्रोक वो तोड़ देते थे एक ग्रास, ग्रास मीन्स वैसे तो घास कौर भी होता है, लेकिन यहाँ पर ग्लास होना चाहिए, गिलास को तोड़ देते थे। समटाइम कुछ समय, ही ड्रॉप्ड वो गिरा देते थे, स्पून चम्मच को गिरा देते थे, एंड समटाइम कुछ समय, ही स्पिल्ट वो गिरा देते थे, बिखेर देते थे सूप जूस ऑन हिज शर्ट, अपनी कमीज पर बिखेर देते थे, एंड ट्राउजर्स और पैंट पर पैजामे पर गिरा देते थे। आफ्टर ऑल इन सारी चीज़ों के बाद, ही वाज ये सब सारी चीज़ें थी कि ही वाज एन ओल्ड मैन, कि वो बूढ़े थे, एक बूढ़े आदमी थे, इसलिए ऐसा होता था। वन डे एक दिन, ड्यूरिंग दौरान के समय में, द इवनिंग मील शाम के भोजन के समय में, द ओल्ड मैन बूढ़े ने ड्रॉप्ड गिरा दिया हिज प्लेट, अपनी तस्तरी गिरा दी ऑन द फ्लोर, फर्श पर क्रैश टूट गई वो, इट स्मैश्ड इनटू, ये विखंडित हो गई इनटू मेनी टिनी पीसेज, बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में वो बिखर गई तस्तरी, एंड द फूड और भोजन फैल गिरा ऑल ओवर द फ्लोर, पूरा फर्श पर गिर गया भोजन। हिज सन उसका पुत्र, एंड डॉटर इन लॉ और उसकी पुत्र वधू, बिगैन टू क्लीन अप ने शुरू कर दिया साफ करना द फ्लोर, फर्श को, उसके पुत्र और उसकी पुत्र वधू ने फर्श को साफ करना शुरू कर दिया। बट लेकिन दिस टाइम इस समय, हाउ एंग्री कितने क्रोधित दे वेयर हुए थे, लेकिन इस समय वे कितने क्रोधित थे। आफ्टर दैट इंसिडेंट इस घटना के बाद, दे बॉट हिम, दे उन्होंने बॉट हिम खरीद लाया उनके लिए ए चीप वुडन बाउल। इस घटना के बाद उसके लड़के ने उसके लिए एक चीप सस्ता सा वुडन बाउल, लकड़ी का कटोरा खरीद लाया फ्रॉम द मार्केट बाजार से, एंड गेव और दिया हिम उसे डिनर भोजन दिया इन दैट बाउल उसी कटोरे में दिया। दे मेड द ओल्ड मैन सिट, उन्होंने बैठा दिया द ओल्ड मैन बूढ़े को, सिट मीन्स
बैठा दिया। वाई हिमसेल्फ स्वयं इन दी कॉर्नर कोने में स्वयं ले जा करके उस बूढ़े को बैठा दिया ऑफ द रूम कमरे के टू ईट हिज फूड, भोजन खाने के लिए, भोजन करने के लिए उन्होंने स्वयं उस बूढ़े को ले जा करके एक कोने में कमरे के बैठा दिया। द ओल्ड मैन, बूढ़ा, वाज था, सैड उदास था, बट लेकिन व्हाट, क्या, कुड ही डू, वो क्या कर सकता था, ही केप्ट क्विट, वो शांत रहा, एंड डिड नॉट, और डिड नॉट मीन्स नहीं, कंप्लेन मीन्स शिकायत की, और शिकायत नहीं की। विलियम यूज टू वॉच, देखा करता था, द होल सेंस, पूरा दृश्य, ही वाज, वो था, सो सैड, इतना उदास था, एंड और डीपली हर्ट, उसके हृदय में हर्ट, चोट लग गई, दुख हुआ, दैट की ही टू, ही मीन्स वो, टू भी, वांटेड, चाहता था, टू क्राई, चीखना, चिल्लाना, रोना चाहता था, बीटरली मीन्स फूट फूट करके वो भी रोना चाहता था, क्योंकि उसके हृदय में अपने बाबा जी को ऐसा देख करके दुख हुआ। बट लेकिन ही रिमेंड, वो रहा साइलेंट, शांत रहा वो। वन इवनिंग, एक शाम को, नॉट लॉन्ग आफ्टर वर्ड, ज़्यादा समय बाद नहीं, एक दिन शाम को, द सन, लड़का, एंड वोमैन, और महिला, हैड फिनिश, ने समाप्त किया वर्क, काम समाप्त किया, फॉर द डे, दिन का काम समाप्त किया, एंड वी आर गेटिंग द इवनिंग मील, और तैयार कर रहे थे, प्रीपेयर्ड मीन्स तैयार कर रहे थे, इवनिंग मील, इवनिंग मीन्स शाम का मील, भोजन तैयार कर रहे थे। व्हेन, जब द मील, भोजन, वाज रेडी, तैयार हुआ, दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, फॉर देयर सन, अपने पुत्र को बुलाया, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, इन हिज रूम, उसके कमरे में देखा, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन ही वॉज नॉट, वो नहीं था देयर वहाँ पर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। हेयर कुड दैट बॉय भी, कहाँ हो सकता था दैट बॉय, वो लड़का, बी मिस, होना, वो लड़का कहाँ हो सकता था, आस्क थेकला, थेकला ने पूछा। मैन फैड हैड नो आइडिया, की मैन फैड के पास कोई विचार नहीं था, ही आस्क, उसने पूछा, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी से पूछा, इफ ही हैड सीन, कि यदि उसने, इफ मीन्स यदि, ही हैड सीन, उसने देखा हो, विलियम, विलियम को, तो ऐसा पूछा बूढ़े से, बट लेकिन, द ओल्ड मैन, बूढ़ा, सूख, बूढ़े ने सूख हिलाया, हिज हेड, अपने सर को हिलाया, दे आल, वे सभी, बिकेम, हो गए, ए लिटिल वैरिड, थोड़ा सा दुखी हो गए, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, आउट, बाहर देखा, ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर, सड़क पर देखा, बट लेकिन, द बॉय, लड़का, वाज नॉट देयर, वहाँ नहीं था, वाज था, नॉट मीन्स नहीं, देयर मीन्स वहाँ, लेकिन लड़का वहाँ नहीं था। देन तब, देसा, उन्होंने देखा, ए लाइट, एक प्रकाश, ऑन इन द वर्कशॉप, कार्यशाला में उन्होंने प्रकाश देखा, उजाला देखा। दे वेंट, वे गए, टू लुक, देखने के लिए गए। दे स्टेपड, उन्होंने कदम रखा, इन टू द वर्कशॉप, कार्यशाला में कदम रखा, एंड फाउंड, और पाया, देयर सन, अपने पुत्र को पाया, सिटिंग, बैठे हुए पाया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठे हुए अपने पुत्र को पाया। ही वाज, वो था, कटिंग, काट रहा था, ए स्मॉल ब्लॉक, एक स्मॉल, छोटी सी ब्लॉक, टुकड़े को काट रहा था, फूड, लकड़ी के, एंड वर्किंग, और काम कर रहा था, एज हार्ड, एज मनी, उतना हार्ड, कठिन मेहनत कर रहा था, एज, एज मीन्स जितना, ही कुड, जितना वो कर सकता था, वो काम कर रहा था, उतना कठिन मेहनत कर रहा था, जितना वो कर सकता था। आह, अरे, हेयर यू आर, यहाँ हो तुम, शेड, कहा हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, व्हाट, क्या, आर हो यू, तुम, मेकिंग, बना रहे, तुम क्या बना रहे हो, माई सन, मेरे पुत्र, आज पूछा द फादर, पिता ने पूछा, मेरे पुत्र, तुम क्या बना रहे हो, द यंग बॉय, उस बालक लड़के ने पुट डाउन, रख दिया, द ब्लॉक, टुकड़ा ऑफ वुड, लकड़ी का, एंड द चीसल, और पेचकस, रख दिया, ही लुक्ड अप,
उसने देखा अप ऊपर टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखा। आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूँ ए वुडन बाउल, वुडन मीन्स लकड़ी का, बाउल कटोरा बना रहा हूँ मैं, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू इट खाने के लिए, आपके खाने के लिए मैं लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपके खाने के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। रिप्लाइड, उत्तर दिया द बॉय, लड़के ने, द पेरेंट, माता पिता ने, लुक्ड देखा, एट ईच अदर, एक दूसरे को देखा, देयर आइज, उनकी आँखें फील्ड भर गईं, विथ टीयर्स, आंसुओं से भर गईं। वी आर, हम हैं, वेरी सॉरी, बहुत दुखी हैं, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, हम बहुत दुखी हैं। वी विल नेवर, हम कभी नहीं डू करेंगे दैट, वैसा, अगेन, दोबारा, हम कभी वैसा दोबारा नहीं करेंगे। कम आ जाओ डिनर, भोजन के लिए, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इज रेडी, तैयार है। सेड हिज मदर, सेड कहा, हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, सॉफ्टली मीन्स मधुरता से, मीठे स्वर में कहा। एंड और शी पुट हर आर्म, उन्होंने, उसने रख दिया, उसकी माँ ने, हर आर्म, अपनी भुजाओं को, अराउंड हर सन, अपने पुत्र के चारों ओर अपनी बाह को फैला दिया। एंड ऑल ऑफ देम, और वे सभी, बेंट बैक, बेंट गए वापस, बैक मीन्स वापस गए, टू द हाउस, घर को वापस गए वे सब। आफ्टर दिस, इसके बाद, द मैन, आदमी, एंड वाइफ, और पत्नी उसकी, ऑलवेज, आज, हमेशा कहते थे, द ओल्ड मैन, बूढ़े को, ओल्ड ग्रैंडफादर, बूढ़े दादाजी को कहते थे, टू सिट, बैठ जाओ, विथ देम, उनके साथ बैठ जाओ, एट टेबल, मेज पर। एंड बेयर नेवर एंग्री, और बेयर थे नेवर एंग्री, कभी क्रोधित नहीं थे, विथ हिम, उससे, और वे कभी उससे क्रोधित नहीं हुए। तो बच्चों, आपने अभी तक हंस वाहिनी क्लासेस अयोध्या यूट्यूब को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा वादा है आपकी समझ में हमारी पढ़ाई ज़रूर आएगी। हमारे बच्चों के लिए हमारा संदेश, संसार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सको सीख लो, उत्तम है। अपनी मातृभाषा हिंदी सर्वोत्तम है, इसलिए हिंदी का आदर करें, इसका अनादर न होने दें। अपने दैनिक कार्यों को हिंदी में ही करें, क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे सभी छात्र और हमारे सभी दोस्त हमारे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंदी।